जय हो बाबा केदार, हर 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 हर। गाइस अभी मैं यहाँ पीछे आ रहा हूँ गौरीकुंड से। गाइस अभी हम ये गौरीकुंड मार्केट से निकल रहे हैं आगे की तरफ। हमने यात्रा शुरू कर दी है सुबह सुबह। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम गौरीकुंड में पहुँचे थे और रात को हमने गौरीकुंड में ही स्टे किया और वहाँ से लगभग 5 बजे अभी हमने स्टार्ट किया था यहाँ से ऊपर के लिए अपना ट्रैक। और ये देखिए यहाँ पे काल भैरव का एक मंदिर है, यहाँ पहुँचे हैं। जय काल भैरव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 5 बजे तो शुरू किया था। लगभग 3 किलोमीटर गौरीकुंड से ऊपर आ गए हैं। टीम भी ये पहुँच चुकी है, देखिए थोड़ी सी सुबह भी हो गई है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं नज़ारे धीरे धीरे जैसे धूप निकलती है, खिलती है। सूर्य की पहली किरणें ये देखिए पहाड़ों की चोटियों को छूने लग पड़ी हैं। और रास्ता देखिए पक्का है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। क्या बोलते विनय भाई, बिल्कुल बड़ा मज़ेदार है। हैंड से ट्रैक तो चलते जाओ, बस चलते चलना, रुकना नहीं है, बस तो चलने। आज तक मैंने जितने भी यात्राएं की हैं इस प्रकार की, उनमें से ये सबसे इजी रास्ता मुझे इस यात्रा का लग रहा है। हाँ, एक वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो इससे इजी है। तो गाइस ये हम पहुंच गए हैं अभी भीमबली, और लगभग 10 किलोमीटर नीचे है केदारनाथ से। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। वो देखिए सनराइज भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई ये है जब 2003 में जो त्रासदी आई थी, 2013 में जो त्रासदी आई थी उसमें, वो देखिए ये पुलों के अवशेष हैं, वो ब्रिज वगैरह बह गए थे तो इतने ऊपर ऊपर तक ये देखिए पानी आया था सारा आगे की तरफ। तो भाई देख रहे हैं आप, यहाँ पे सारी ये फ्लड आया था ऊपर तक, जो भी वो कटिंग देख रहे हैं वो पानी से हुई थी सारी, और ये सारा यहाँ पे जितने भी टेंट्स वगैरह से बह गए थे। तो भाई हमने यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय परांठा, और पिंड भाई हो गए रेडी ऊपर के लिए। और ऊपर देखिए धूप पूरी खिल गई है देखिए। और जो मैंने आपको पहले भी बताया और आप देख भी रहे हैं कि रास्ते में ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से पूरा रास्ता खाली हमें मिल रहा है आने जाने के लिए। तो ये फ़ायदा है इस टाइम आने का, हालांकि गर्मियों में और बरसात के मौसम में तो भाई ये लबालब भरा होता है पूरा रास्ता। जय भोले। वो देखिए गाइस अभी जो मंडे ट्यूसडे को जो स्नोफॉल हुआ था तो यहाँ नीचे तक, यहाँ तक भी आ गया था, यहाँ भी अभी पानी जमा हुआ है रास्तों पर, और ऊपर यहाँ पर स्नोफॉल भी अभी तक जो हुआ था बचा हुआ है। और आगे देखिए
रास्तों में भीड़ कम है, लेकिन हेलीकॉप्टर से काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स अभी आ रही हैं। और आप कुछ दिन पहले यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई है। दो दो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं भाई, एक ये गया, एक ये है पीछे, देखिए। तो अभी 2 किलोमीटर रहा है भाई केदारनाथ, और पिंटू भाई हमारे पहुंच ही जाएंगे। पहुंच जाएंगे, हमें यकीन है, क्योंकि वो रोज सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं। बिल्कुल। तो अब आगे की तरफ चलते हैं और समय पर दर्शन करते हैं। बोलते हैं कि 12 बजे बंद हो जाता है कि 1 बजे? 12 से 3। कोशिश करेंगे कि 12 बजे से पहले हम दर्शन करके उसके बाद। तो गाइज अब धीरे धीरे, जब आपको पता ही है 12 बजे तक जो है वो बादल और धुंध जो होती है वो सारी ऊपर की तरफ उठती है और ये पहाड़ियों को छुपा देगी पूरा। तो आप केदार पीक के दर्शन कर लीजिए अच्छे से ये सबसे पास से, क्योंकि हो सकता है हम जब तक मंदिर तक पहुँचे वो पीक छुप जाए। तो ये है केदार पीक, और इसके नीचे ही भाई मंदिर है। तो अभी हम जाएंगे तो वहाँ दिखाएंगे आगे। फाइनली पहुँच गए हैं हम, वो देखिए प्रथम दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। केदारनाथ टेंपल के बिल्कुल सेंटर में है ये, यहाँ पे बस 1 किलोमीटर है यहाँ से सीधा सीधा रास्ता। फाइनली सर, ड्रीम कम ट्रू आपका। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। अभी 11 बजने में 15 मिनट हैं, उतनी देर में हम पहुंच जाएंगे, है ना। पूरे 11 बजे, कितने बजे चले थे हम? 5:10 और 6 घंटे में हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छी स्पीड थी, वेरी गुड। मैक्सिमम टेंट वाले जो हैं वो अपने टेंट्स को पैक करने में ही लगे हुए हैं, और खाने पीने के लिए भी आपको थोड़ा दूर दूर ही मिल रहा है यहाँ पे। जबकि पहले अगर आप थोड़ा टाइम इससे पहले आए तो तब तो पूरे रास्ते में आपको खाने के लिए सब कुछ मिल जाता है। गाइस ये है केदारनाथ का मंदिर, और अभी मैंने ये प्रसाद वगैरह ले लिया यहीं पे साथ में पूजा की शॉप से। और अब इसके बाद ये लाइन जो देख रहे हैं आप पीछे से लगी हुई है यहाँ से फिर अंदर तक, तो दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं। 3 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। 12 तो बजने वाले हैं इस टाइम, देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं। तो भाई अभी काफ़ी देर से मैं भी लाइन में लगा था, लेकिन अभी मैं थोड़ा, इन्होंने जूते वगैरह और सामान यहाँ पे बाहर रख के जाना पड़ता है, तो इसकी रखवाली के लिए मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। और बाकी 2 टीम मेंबर हमारे थोड़े आगे हैं, एक अपने जो परविंदर खोसला सी वो भी पहुँच गए हैं यहाँ पे, तो वो भी पीछे लगे हैं। मैं उनके साथ फिर जाऊँगा दर्शन करने, वहाँ पर जगह मैंने बुक रखी है। अभी 2 जने वो दर्शन करके आएंगे, वो बैठेंगे, फिर मैं जाऊँगा। तो काफ़ी टाइम लगता है, अभी 12:30 हो चुके हैं, जबकि 11 बजे आपको पता ही है हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। भीड़ काफ़ी है, लेकिन चलिए धीरे धीरे जा रहे हैं, दर्शन करेंगे फिर। तो अभी मैं यहाँ पे फ्री था और मैंने अपने दूसरे चैनल पे लाइव दर्शन करवा दिए थे अपने सारे सब्सक्राइबर को। तो अगर आपने मेरा दूसरा चैनल जो कि यति लाइफ व्लॉग्स वाला है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, उसमें मैंने पहले ही लाइव दर्शन करवा दिए थे। तो रेगुलर लाइव अपडेट के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी देखिए लाइन काफ़ी लंबी है अभी भी, देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं। Thank you.
हर हर महादेव। तो गाइस अभी दर्शन हो गए हैं अंदर, सभी टीममेट ने भी दर्शन कर लिए हैं। कैसा रहा भाई? अच्छा रहा। सारे आप दर्शन करके अब यहाँ पे हर हर महादेव भजन गाएंगे, थोड़ी देर भजन कीर्तन करते हैं, फोटो शूट करते हैं, एक अभी इसके बाद जाएंगे भाई पीछे भीमशिला के पास। कैसा रहा दर्शन का एक्सपीरियंस? बहुत जबरदस्त, जैसा कि कहते हैं टीवी के अंदर मैंने देखा इससे पहले, इसके अलावा कुछ एक यूट्यूब चैनल्स पे, और वही चीज जो अगर साक्षात देखने को मिले तो हम बोल सकते हैं कि जैसे ड्रीम कम ट्रू। और आपको भी बहुत बहुत बधाई यहाँ यहाँ पहुँचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चढ़ाई आपने की काफी बढ़िया। और संदीप सर हमारे, इन्होंने देखिए अभी ये बस अभी मुंह अपना जूठा कर रहे हैं, खाली पेट भाई सुबह से, हमने तो फिर भी परांठा खाया था ना भाई, सर ने तो खाली पेट यहाँ पे दर्शन किए हैं। तो श्रद्धा भाव था, श्रद्धा भाव है, वो मन में आया। वो 5 बजे चले थे, 11 बजे यहाँ पहुँचे, 11:30 बजे लाइन में लगे थे, लगभग 2-2.5 घंटे फ्री हुए। हाँ जी हाँ जी। तो आप जो बिस्कुट लाए थे और ये कुछ मिष्ठान, तो इससे अपना पेट भर रहा हूँ। चलो बड़ी महसूस हो रहा है। नहीं नहीं, अच्छा टीम वर्क था वो साहब, इसके लिए बड़े हुए की मार्जिन बड़ा, तो ड्रीम प्रोजेक्ट था ये बिल्कुल यहाँ पर आने का, और आज ये पूरा हुआ। जुड़को साहब सर आपका सर, मैं तो बोल बैठा हूँ बहुत अच्छा, वही बड़े ट्रैक्टर ड्रीम के साथ बहुत ही अच्छा है। हाँ हाँ, बताने की जरूरत नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, बिल्कुल खुद का खुद होता जाता है करते जाते हैं। ठीक है। और दिन प्रतिदिन जो कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है, वो बेहतर से बेहतरीन होता चला जा रहा है, इसके लिए मैं बोलता हूँ पूरी की पूरी बड़े ट्रैक्टर टीम भाई की बात। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस मंदिर के अंदर से तो मैं आपको अभी दर्शन नहीं करवा सकता क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई पर किस तरह का ये भव्य मंदिर बना हुआ है। तो गाइस ये है वो भीमशिला जिसने वहां से आते हुए फ्लड को यहां पे रोक लिया था, मंदिर को बहने से बचा लिया था, कोई हानि नहीं हुई है देख सकते हैं आप उस फ्लड से, वैसे कि वैसे ही उसके पत्थर वैसे कि वैसे ही हैं। तो ये है वो शिला, पर अब तो पीछे बाउंड्री वॉल भी बन रही है फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं वहाँ से फ्लड आया था, वहाँ से वहाँ से वहाँ से, तो वो सारा यहाँ पे ये मलबा बिखरा हुआ है आप देख सकते हैं, लेकिन अभी पीछे पूरा ये वॉल से कवर कर दे रहे हैं। देखिए वॉल लिपटी है दोनों चारों साइड, और भीमशिला लेकिन पूजनीय स्थल बन गया है एक अभी के टाइम में, सभी लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं, माथा टेकते हैं इस शिला के पास। और मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पे नेटवर्क फुल चलता है आपका ऊपर टेंपल तक, और ऑनलाइन पेमेंट भी कई जगह पे चलती है। हाँ जी सर। और अभी मैं आपको मंदिर का एक राउंड लगा के दिखा देता हूँ चारों तरफ से किस तरह का ये भव्य मंदिर दिखता है, देख सकते हैं आप। और अभी कुछ ही देर हम यहाँ पे रुकेंगे, इसके बाद हम 3 बजे लगभग यहाँ से नीचे की ओर निकल जाएंगे गौरीकुंड की ओर, और फिर वहाँ से आगे देखते हैं कहाँ पे आज रुकते हैं रात को। तो ये जो आप सबसे ऊंचा देख रहे हैं ये मंदिर का मेन गर्भगृह है, और यहीं इसके अंदर एक बड़ी शिला है केदारनाथ की जिसको यहाँ पे पूजा जाता है। और ये जो आगे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे पांडवों की और नंदी की एक मूर्ति है, तो ये सारी यहाँ पे मूर्तियाँ अलग अलग बनी हुई हैं, और एक नंदी भगवान की मूर्ति आप देख रहे हैं ये बाहर भी पत्थर की बनी हुई है। और इसी के साथ समय होता है हमारा वापस नीचे जाने का। अभी केदारनाथ को अलविदा कहकर हम आ गए हैं वापस सोनप्रयाग अपने रूम से 5 किलोमीटर नीचे। हाँ जी, तो वहाँ पे पहुँच गए हैं भाई, देखिए शूट और शूट निकले थे हम स्पीड हाइक करके हैं। कैसी रही हाइक भाई? खतरनाक। कैसी स्पीड भाई? जबरदस्त यार, स्पीचलेस। कितने किलोमीटर था? 35 किलोमीटर। ओ भाई आज तो भाई टांगों की हालत तो अभी बुरी हो गई है, रिकवरी मोड पे चली हुई है। क्या करें। तो भाई ये अपना रूम देख रहे हो यहाँ पे सोनप्रयाग में, और अभी 10 बज चुके हैं, और डिनर 11 बजने वाले हैं ना, डिनर का कोई आता पता नहीं है, फ्रेश हो गए हैं हाँ की 2-3 जने तो, क्योंकि आज प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल दोस्तों, सुबह निकलेंगे हम यहाँ से
सोनप्रयाग में आपको पता है हमने अपनी बाइक्स खड़ी की थी, वहाँ पे बाइक पैक करेंगे और फिर निकलेंगे। हरिद्वार का प्लान है और दीपावली के पावन अवसर पर हम गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा अगली वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में, क्योंकि यात्रा अभी तक खत्म नहीं हुई है।